अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है इस म्यूज़िक शो से। ये हमारा जो सेंटर है सिटी का, वहाँ पर हो रहा था रात को जब हम लोग वॉक करने के लिए गए ना, तो वहाँ पर इतने लोग खड़े थे सेंटर में, हमने कहा पता नहीं क्या होने लगा है। और उसके फिर 5 मिनट बाद ही ये स्टार्ट हो गया। ये दरअसल जो सिटी का सेंटर है ना, वहाँ पर ये उनकी बहुत कदीम वाली एक बिल्डिंग है। और सुनने में ये आया है कि इनके बादशाह का जैसे महल होता है ना, तो वो था ये। और यहाँ पर बैठकर वो जो जैसे वो हम लोग सुनते हैं ना पुराने ज़मानों में कदीम, वो इधर आकर सेंट गए, वो खिड़कियों में बैठते होते थे बादशाह और बाहर जो लोग थे वो बैठकर, तो ये सेम वैसी ही बिल्डिंग थी। और यहाँ पर उन्होंने लाइटिंग का शो ऑर्गेनाइज किया हुआ था लोगों के लिए, तकरीबन 5 मिनट का था। और लेकिन बहुत अच्छा था क्योंकि 3D में वो सारी वो दिखा रहे थे अलग अलग कर कर डिज़ाइनिंग वगैरह। तो आई होप आप लोग को भी अच्छा लगे, मुझे तो बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा चले अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इन्होंने कैसे एंटरटेनमेंट लगाई हुई थी लोगों के लिए।
और 5 मिनट के बाद फिर शो बंद हो गया। और ये देखिए इतना रश था, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था समर आ गया है इनका, समर जब भी जैसे स्टार्ट होने वाला होता है ना जून के महीने में, क्योंकि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां भी होनी होती है और इस टूरिस्ट भी आना शुरू हो जाती हैं, तो इस वजह से ये छोटे छोटे से फेस्टिवल अपनी सिटी में ऐसे करते रहते हैं ऑर्गेनाइज, ताकि लोग एंटरटेनमेंट रहे। और वीकेंड पर तो स्पेशली ऐसे शो आम है यहाँ पर होना। और बस फिर हम लोगों ने वहाँ पर देखा और अपनी वॉक पर चले गए, और घर आकर हमारा आज था पिज़्ज़ा खाने का प्रोग्राम। पिज़्ज़े की जो डो थी वो आप ही ऑलरेडी गूंद कर गई थी, उन्होंने मैदा ले लिया था, पिज़्ज़े वाला लिया हुआ है हम लोगों ने यहाँ से, वो लिया था, उसमें ईस्ट डाली, थोड़ा नमक, थोड़ी सी चीनी डाली थी और नीम गर्म दूध के साथ उसे गूंद के चले गए थे। जब तक हम वापस आए तो ये डबल हो चुकी थी फूल कर, तो बस उसकी रोटी बेल ली, उसके ऊपर हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी और साथ ही ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दी। यहाँ पर जो मिलती है मोज़रेला चीज़ वो उन्होंने ऑलरेडी क्रश कर कर पैकेट्स में रखी होती है, ये ईज़िली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हमने अपनी सारी वेजिटेबल्स, कैप्सिकम्स डाल दिए, प्याज डाल दिए और साथ में इसके ऊपर माइस भी डाल दिए, क्योंकि हमें तो माइस वाला पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। और बस इसके बाद हम लोगों ने चिकन जो था वो भी मैं ग्रिल करके ऑलरेडी रखा हुआ था, चिकन को मसाले लगा कर उसको तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रखा, उसके बाद उसे स्टीम कर हल्के से ऑयल डालकर अच्छे से स्टीम कर कर पका लिया था, और वो उसके ऊपर इसके लगा दिया, और साथ में इसके लास्ट में फिर हम लोगों ने ऊपर से थोड़ी सी चीज़ डाल दी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। और बस ओवन को ऑलरेडी प्रीट हीट किया हुआ था मैंने 5 मिनट पहले, एक 200 की डिग्री पर किया था मैंने 5 मिनट के लिए, तो जब वो हो गया था तो उसे मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि अभी हम ऊपर पिज़्ज़े के अपने लवाजमात लगा रहे थे, और जैसे ही वो लगा दिए तो फिर दोबारा ओवन चला कर उसको उसके अंदर रख दिया पिज़्ज़े को, और इसको तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट लगे थे, और पिज़्ज़ा हमारा इतना मज़े का यमी सा बना हुआ था ना, दिल कर रहा था एक और खाने को, और भी बन सकता था क्योंकि आपी ने काफ़ी ज़्यादा डो गूंद ली थी, लेकिन एक ही बहुत था, हम 3 लोगों ने खाना था, मैंने, आपी ने और भाभी ने, तो इसलिए हमने कहा नहीं काफ़ी है इतना ही, और ज़्यादा बनाकर फिर वो पड़ा ही रहना था, किसी ने भी नहीं खाना था, तो बस फिर हम लोगों ने एक ही पिज़्ज़ा बनाया था और खूब इंजॉय किया था अपनी इवनिंग को। अगला दिन स्टार्ट हो गया हुआ था, आज फिर क्योंकि शोरबे में आलू गोश तो बीच में अंडे बॉईल करके डाले थे, तो आपी ने फिर नानों का आटा गूंद लिया और हम लोगों ने फिर नाश्ते में एक एक नान बनाकर खाया, और इतना मज़ा आया ना, आजकल हमारी खूब मज़े चल रही है, कभी हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं कभी नान खा रहे हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और क्योंकि बालकनी की खिड़कियाँ खोल दी हुई थी तो काफ़ी अच्छी मौसम भी एटमोसफेयर हुआ हुआ था अंदर का, और फिर हम लोगों ने अपना नाश्ता इंजॉय किया और साथ में टीवी पर देखा, मैंने पहले गाने लगाए हुए थे क्योंकि कोई ड्रामा नहीं था, हम लोग सारे ड्रामे ऑलरेडी कल रात को देख चुके थे, तो यही रह गया था कि हम लोग कोई म्यूज़िक सुन रहे थे, तो हम लोगों ने गाने लगा लिए साथ में। और ये है सज्जत की फ्रॉक जो मैंने उसे शीशे लगा कर दी है, ये HM से ख़रीद कर लेकर आई थी मैं लास्ट ईयर जब पाकिस्तान गई थी ना, ये तब ख़रीद कर लेकर आई थी, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, ये सिंपल सी ऐसी वाइट कलर की फ़्रॉक थी, तो ये ख़रीद कर लेकर आ गई, और अब इसने लाकर मेरे ऊपर फेंक दी और कह रही थी कि इसके ऊपर कुछ करके दो, अपने सूटों पर शीशे लगाती हो, कढ़ाइयाँ निकालती हो, तो ये लो मेरे सूट पर भी निकाल कर दे, और मैंने इसे कहा मैंने नहीं निकाल कर देनी, तो कहती ये यहीं पर पड़ी हुई है, मैंने कुछ नहीं इसका करना, जब तक आप इसको लगा कर नहीं दोगे मैंने लेकर भी नहीं जानी। और अब इसने क्योंकि पाकिस्तान जाना है तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब इसके कपड़े कंप्लीट कर देती हूँ, कि पाकिस्तान में पता है इतनी गर्मी पड़ रही है तो इस तरह के लाइट से लोनों के कपड़े से वहाँ पर चाहिए, ये ना लाइट से ये इतना गर्म नहीं है और पाकिस्तान में आई थिंक पहना ही जाएगा, तो मैंने इसके ऊपर फिर कलरफुल धागा लेकर आई थी, यहाँ पर जो मैंने बताया था चीनों की मार्केट्स बनी हुई हैं उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो वहाँ से हम लोग लेकर आए थे, और शीशे तो ऑलरेडी पाकिस्तान से मंगवाए हुए थे तो वो लगा दिए। और ये आपी की फ़्रॉक है, इन्होंने ये पाकिस्तान से हमारे लिए आया था, सादा पीस था तो उन्होंने उसकी फ़्रॉक सी ली, तो अब उनके जो था ना फ्रॉक पर उस पर भी मैंने शीशे लगा दिए थे, और सजे का डिज़ाइन और तरह था, उस पर पत्तियाँ बना कर किया था, इसमें भी सेंटर में शीशे लगा कर साइड पर
एक ये मुझे इस टांगे का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने निकाल दिया था। मैंने नेट पर यूट्यूब में देखा था और अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो यही वाला निकाल देती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो बस फिर ये हमारे दो फ्रॉक्स रेडी हो चुके थे। और जैसे ये आपकी फ़्रॉक है ना, ऐसी मेरी भी फ़्रॉक है, हम दोनों ने एक जैसी ही बनाई थी। और उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही मैंने शीशे लगाए हैं, तो वो मैंने अपनी पहले पिछले साल ही बना ली थी, अपी ने मुझे सिलाई कर दे दी थी, तो मैंने उस पर तभी लगा लिए थे, लेकिन अपी ने अपने क्योंकि सिलाई नहीं की हुई थी तो वो वैसे पड़ी थी। ये है मेरी फ़्रॉक, ये जो मैंने पिछले साल बना ली थी, तो अब आपी की भी कंप्लीट हो गई थी, उन्होंने अपनी सिलाई कर दी, तो मैंने सोचा चलो अब वो कपड़े सिलाई कर रही हैं गर्मियों के और ईद के, क्योंकि एक महीना ही रह गया है ईद में, तो मैं साथ साथ में जो कढ़ाई वाला थोड़ा काम है तो वो कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने उनकी फ़्रॉक भी मुकम्मल कर दी है और अपने भी कर लिया। और उन्होंने अपने गले पर ये जो ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ था ना, ये उन्होंने मेरे भी सूट पर बना कर दिया था, तो मैं मुझे ये नहीं टांका आता, ये पता नहीं कौन से टांगे के साथ उन्होंने बनाया था, तो मैंने वो छोड़ दिया उतना हिस्सा। मैंने कहा चले आप अपने गले पर खुद ही वो कर लीजिएगा, पता नहीं कैसे किया हुआ है। तो बस, और ये बहुत अच्छी लग रही थी।